असलम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे एक और नए ब्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद वैसे मक्खन तो मक्खन से घी तो सभी ने बनाया होगा लेकिन आज मेरे स्टाइल से ज़रा बना के देखते हैं मक्खन से बढ़िया वाला घी तो चलिए फिर इसे बनाते हैं ये मलाई मैंने इकट्ठा की है दस से बारह दिन की ये मलाई है मैंने रात में रख दिया था ये अच्छे से जम गई है और अब मैं इसे एक दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद में मैं इसे जो है वो मिक्सी में चलाऊँगी तो एक दो घंटे हो गए हैं और ये मलाई मैं अब निकाल लेती हूँ मलाई निकालने के बाद में अब हम इसे जो है अच्छे से मिक्सी में चलाएंगे ताकि उसमें अच्छा सा मक्खन आ जाए अच्छा गर्मियों में तो हमें बहुत ठंडे पानी की ज़रूरत होती है और ठंडे दही की भी मतलब जो मलाई जमती है उसकी ज़रूरत होती है लेकिन अब इस टाइम तो मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है अक्टूबर आ गया है तो सादा पानी भी चलेगा तो मैंने वैसे तो इसको ठंडा कर लिया है लेकिन अब मैं सादे पानी में ही इसे जो है वो चला लूँगी और मैंने ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और इसमें अब मैं दो से तीन चम्मच जो है ये मलाई जो मैंने इकट्ठी की थी वो डाल दूँगी और इसको हमेशा जो है वो जमा खूब अच्छे से जमा लीजिए उसके बाद ही इसको चलाइएगा तो इसका मक्खन बहुत अच्छा आता है और मक्खन भी आपके यूज़ हो जाता है और जो मठा होता है वो भी इस्तेमाल में आ जाता है तो यहाँ पे मैं इसे चला ले रही हूँ और एक दो सेकंड ही मैंने इसे चलाया था और उसके बाद में देखिए पहली बार का मक्खन ये कितना अच्छा आया है और ये मक्खन तो इतना बढ़िया होता है क्योंकि ये मक्खन मैं रोटी के साथ भी खाती हूँ मैं ही खाती हूँ घर में और कोई नहीं खाता है क्योंकि मुझे ये मक्खन बहुत अच्छा लगता है और बस एक बर्तन लेंगे कोई दूसरा और उसके अंदर हम इस मक्खन को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम और भी प्रोसेस करेंगे जितना भी हमारा दही है या जो भी है वो हम सब निकाल लेंगे और ये पहली बार का मक्खन देखिए इतना सारा निकल आया है और उसके बाद में बारी बारी से मैं दो से तीन चार बार ये मक्खन जो है वो चला लूँगी और चलाने के बाद में फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि उसके बाद में मैं क्या करती हूँ इसके साथ में तो यहाँ पे ये लास्ट बार का मक्खन बचा मक्खन नहीं सॉरी जो दही था हमारा मलाई थी वो बचा है तो बस ये भी आ गया है अच्छा लास्ट बार में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि ये थोड़ा सा ना आ नहीं पा रहा था पूरा मक्खन तो अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा सा उसको चलाने के बाद में हाथ से इस 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 तरीके से कर लीजिए ताकि जो मक्खन मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा और जो मठा है वो नीचे रह जाएगा तो ये बारह दिन की मलाई में बारह से तेरह दिन की मलाई में इतना मक्खन मेरा निकल आया है और इसमें घी भी अच्छा खासा ही निकलेगा इन तो यहाँ पे अब ये जो इसका मक्खन का जो पानी था या मठा था वो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है अब इस मक्खन को हम रखेंगे गैस पे और ये मठा बच गया है तो इसकी बना लूँगी मैं अच्छी सी कड़ी क्योंकि अगर ये अभी मीठा है तो इसे एक आध दिन रख दीजिए ये खट्टा हो जाएगा फिर उसके बाद में हम इसका जो है इसकी जो है कड़ी बना लेंगे और इसकी कड़ी भी बहुत बढ़िया होती है और उसके बाद में हम रखेंगे गैस पर और इसे अच्छे से सारे मक्खन को पिघला लेंगे और पिघलाने के बाद में हम इसको रख देंगे इसको ठंडा करेंगे सबसे पहले तो हम इसे ठंडा करेंगे और और ठंडा करने के बाद में हम इसे एक से दो या तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे फिर देखिए ये फ्रिज से मैंने इसे निकाला है और फ्रिज से निकालने मैंने इसे फ्रीजर में डाल दिया था वैसे तो एक घंटे के लिए और उसके बाद में अब ये जम गया है तो जमने के बाद में इसका जो भी एक्स्ट्रा इस पर नीचे पानी है ना वो आप सारे का सारा निकाल दीजिए जितना भी पानी है वो आप सब निकाल दीजिए और निकालने के बाद में अब इसे आप पकने के लिए रखिए तो जब अब आप आप इसे पकने के लिए रखेंगे तो यह बहुत जल्दी पक जाएगा पहले इसे पाँच मिनट तक आप आ, हाई फ्लेम पे पकाइए और उसके बाद में जैसे ही लगे क्योंकि इसमें सिर्फ घी घी रह गया है उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है तो फिर उसके बाद में उसे थोड़ी सी धीमी आंच पे रख दीजिए और ये धीमी आंच पे रखने के बाद दस से बारह मिनट के बाद ये ऐसा घी निकल आया था क्योंकि इसमें जो नीचे खोजर टाइप का होता है वो कुछ भी नहीं था और ये घी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है बारह से बारह मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो गया था उसके बाद में मैं एक छानी लूँगी और उसे जो है छान लूँगी और देखिए कितना आसान था घी बनाना और इसमें गैस बहुत कम लगी है और इस प्रोसेस में इस तरीके से करेंगे तो गैस कम लगेगी लेकिन बस हाँ ये है थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें इसे फ़्रिज में रखना है तो कोई परेशानी नहीं है और ये घर का प्योर घी हमारा बन तैयार हो गया है इतना अच्छा कलर आया है इस घी का कि मैं बता नहीं सकती और आज का ब्लॉग इतना ही इन अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज